और अगर पेप्सी को पीना है तो सोच कर पियो कि इसमें वही एसिड है जिससे टॉयलेट क्लीनर बनता है और उतना ही एसिड है जितना टॉयलेट क्लीनर में होता है। मैंने एक बार पेप्सी का पीएच कैलकुलेट किया था, 2.4 है, और फिनाइल का पीएच भी 2.4 है, हार्पिक का पीएच भी 2.4 है। तो एक दिन मैंने सोचा हार्पिक से टॉयलेट साफ होता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, मैंने किया और एकदम झकाझक सफेद से। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, और हम पीते हैं अकेले नहीं, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते। हाँ, एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को इस ठंडा साफ करने का पानी पिलाते। ये पीने की चीज नहीं है। और अब तो आपको मालूम है ना, पेप्सी कोक में जहर भी है, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, ये सब पेस्टिसाइड्स। और जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं ना, वो कहते हैं कि 7 साल पेप्सी पियो तो अंतड़ियों में कैंसर हो जाएगा, 5 साल पियो तो नपुंसकता आ जाएगी। वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि एक इंजेक्शन पेप्सी ब्लड में लगाओ तो हृदय घात की संभावना पैदा हो जाए। कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गर्भवती मां अगर कोका कोला पी ले तो गर्भ में बच्चा विकलांग पैदा हो। आंख में पेप्सी कोक डाल दिया तो आंखों की रोशनी चली जाए, दांत डाल दिया तो दांत गायब हो जाए। अभी ये कोई पीने की चीज मत पियो, अपने पास बहुत कुछ है पीने के लिए, संतरे का रस, मौसमी का रस, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी। तो ये अमेरिका और यूरोप से